यातायात पुलिस द्वारा शहर में नो पार्किंग में खड़े वाहनों सड़कों को बाधित कर रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वाहन चालकों को समझाइश देने के साथ ही वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। कार्रवाई मुख्य मार्गों के साथ ही अंदरूनी सड़कों में भी की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के दिशा निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने लगातार कार्य किया जा रहा है। नेहरू नगर चौक से खुर्सीपार चौक तक नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है। मौके पर वाहन मालिक के पाए जाने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। साथ ही गैरेज संचालकों को उतने ही वाहनों को गैरेज में पार्क करवाने की अनुमति दी जा रही है, जिनसे कि यातायात व्यवस्था बाधित न हो सके। निर्देशों का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी जा रही है। यातायात पुलिस के अधिकारी स्वयं कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियान की जानकारी ट्रैफिक ASP विश्वास चंद्राकर ने दी। यातायात को सुविधाजनक और सुगम बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में यातायात द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है और कल इस संबंध में काफ़ी कार्रवाई की गई। 54 कार्रवाई की गई, जिसमें 122 के खिलाफ से फाइन लिया गया, बाकी को चस्पा किया गया। इसके अलावा 300 से अधिक गाड़ियों को चेतावनी दी गई है और आज भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये कुछ कल भ्रमण करके कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया है, जहाँ पे जो फ्लाई ओवर बन रहा है उसके कारण आवागमन अवरुद्ध हो रहा है या धीमा हो रहा है, उसको कंस्ट्रक्शन पूरा होने के कारण चौड़ा किया जा सकता है और आवागमन को सुविधाजनक बनाया जा सकता है, वो कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने पुलिस का यह अभियान जारी है। अभियान के जरिए ही बदहाल हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।